तो है फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को सेलिंग के कुछ जानकारी देंगे, तो आप लोग की वीडियो में बने रहिए और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जारी जो है पूरा लगा दिया है विकी भाई ने, और अब इसका क्या करेंगे? पहले क्या होगा विकी भाई? पहले के इसको कच्चा करेंगे, अभी पहले कच्चा होगा, कच्चा होगा फिर पक्का करेंगे, इसको फिर पक्का करने के लिए चपटी में मारेंगे। चपटी से प्लस होता कि ऐसे लेबल लगा के, लेबल ऐसी से नहीं नहीं ऐसे ही चपटी से मारना है, पैसा कहाँ मिल रहा है दोस्तों? अगर जो लेबल से अगर जो आप किए हो पहले, तो फिर आपको मतलब जब लेबल में आप करके कर रहे हो काम, तो आपको मतलब बूंदा बूटी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या विकी भाई? हाँ, अगर जो लेबल में नहीं किए हो, जैसे 5 इंच डाउन कर किए हो, तो तब जाकर आप बूंदा पट्टी लगा के कीजिए, ताकि आपका जो है सेलिंग बिल्कुल बराबर बैठे। अच्छा, फिर भी कितना लोग ऐसे लगाते हैं चपटी बूंदा पट्टी लगा के करते हैं, लेकिन हम लोग बूंदा पट्टी लगा के नहीं करते हैं। झूमर के लिए, झूमर के लिए लाइट है, झूमर के लिए है, देखिए कितना मजबूत है। देखिए चलिए, देखिए इधर मसाला जो है तैयार हो रहा है, और अभी मसाला जो आएगा तो विकी भाई कांचा करेंगे, और कांचा करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी। आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसको पहले क्रास में लगाते हैं कि थोड़ा टाइट हो जाए, टाइट होने में ढीला नहीं होता है ज्यादा। पहले क्रास पर लगाया था ना? पहले क्रास पर, पहले क्रास पर लगाइए आप लोग भी, ताकि जाले जो है टाइट हो जाए। और सावधानी से लगाइए, सावधानी से लगाइए, है अगर हाथ में सुराख जब होता है ना, तो फिर बड़ा परा परा ला। जरूर लगाते हैं एकदम, बोलो भाई कोई बात नहीं की। एक काम तो मैंने भूल ही गया, पहले इसको कोल करना, लेकिन पूरा एक बार कच्चा कर ले। हाँ, ये देखिए यहाँ पर सर्कल है, क्या देखिए? हाँ, यहाँ पर सर्कल है अंदर, मतलब लाइट देखा कोप लाइट मधे का, ठीक ना? तो पूरा जाली लगा दिया है, पूरा लंबा जाली लगा के, उसके बाद से ये क्या करेंगे कि कटिंग करके निकाल देना है इनको। कच्चा करने का तरीका यही है, मतलब सारे के साथ जो है जाली में लगाना है आपको मसाला। अब ज़्यादा जोर से लगाओगे तो ऊपर सारा चला चल जाएगा, उसके ऊपर से जाली क्या होगा भारी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा लगाना है कि जाली के इधर जाली में ही लगे, ज़्यादा जोर से आपको दाब के नहीं लगाना है, नहीं तो जाली के ऊपर चला जाएगा मसाला। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ले जा बना दूसरी कढ़ाई। तो देखिए इतना कच्चा हो गया, मतलब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके सभी को कच्चा कर देना है। तो चलिए हम पहले सभी को कच्चा कर देते हैं। पतिलाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो इतना कच्चा करके पूरा कंप्लीट करेंगे, और इसी का प्लास्टर वाला वीडियो जो है नेक्स्ट में देंगे आप लोगों को। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, आप बढ़िया और बने रहिएगा, क्योंकि इसका जो हम जल्दी से वीडियो पूरा फुल ट्यूटोरियल के साथ लाने वाले हैं।